खास खबर, मां की तस्वीर हाथ में लिए दर दर की ठोकरे खा रहा एक बेटा, दरगाह पर मत्था टेकने के बाद से है गायब। यमादत नई दिल्ली के निजामुद्दीन में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक 42 साल की बुजुर्ग महिला राधा चौधरी 10 दिन से लापता है। परिवार के मुताबिक बुजुर्ग महिला दरगाह की तरफ निकली थी, लेकिन वापस लौट के घर नहीं आई। अट्ठाईस तारीख के शुक्रवार के दिन दिसंबर में 6 बजे करीब घर से निकली चक्कर धूप लगाने के लिए, लेकिन 10-15 मिनट के बाद हम लोग उनको खोजे, कहीं नहीं पता चला उनका। हम लोग सब भाई मिलके और सब है सब मिलके पूरे 10 किलोमीटर के एरिया ने चारों तरफ खोजे हैं, लेकिन उनका सुराग अभी तक कुछ नहीं मिला। जगह जगह पोस्टर भी चिपकाए हैं, थाने में रिपोर्ट कराए हैं, थाने में जाते हैं तो ये कहते हम तो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, आगे आप लोग खोजिए। पुलिस के हाथ भी अब तक इस मामले में खाली है। बेटा शैलेंद्र ने खुद अपनी मां को ढूंढने का फैसला लिया है, जो कि फोटो लेकर जगह जगह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। एक माँ होती है, एक बेटा एवं अपने माँ के वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। यह परिवार में 42 साल की बुजुर्ग महिला की वापस आने के लिए भगवान से दुआएं सलामती मांग रहे हैं। न जाने किस हालत में होगी एक बुजुर्ग माँ। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।